बैक टू सोल टूर्नामेंट एंड अपडेट वीडियो। सो ये अब थ्रश ई स्पोर्ट्स का स्क्रीम से, और आपको ये वीडियो में सोल का इरेंगल के मैप में 15 किल के साथ चिकनडीना देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे सोल गॉबली ने सोलो 5 किल या 6 किल समथिंग निकाला था। सो अब चलते हैं सीधा मैच की तरफ चालू करते हुए, लेकिन फर्स्ट में इसका श्रिंक ऑलरेडी यहाँ पर आना होगा चालू। एंड फाइनली चलिए गॉबलिन यहाँ पर जो कर दिए जाएंगे अभी के लिए फिलहाल टेक डाउन। नियो थोड़ा सा ट्रेंचेस के अराउंड से यहाँ पर जो आगे की तरफ बढ़ना जरूर चाहते हैं, बट राइट हैंड साइड से यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि एक नहीं दो दो प्लेयर्स आएंगे। लेकिन फाइनली ये ग्रेनेड थोड़ा सा टीम एक्सपोज के प्लेयर्स को अभी के लिए तो फिलहाल देखिए बैकफुट की तरफ धकेलता नजर आएगा। लेकिन माइटी शानदार तरीके से यहाँ पर कवर फायर किया, जो एक अहम रोल है वो अदा करते नजर आएंगे। अपनी डीबीएस के साथ प्रिपेयर थे, लेकिन टीम पूरी तरीके से करते हुए जरूर नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए फोर्थ फेस का श्रिंक आना होगा चालू। 20 सेकंड से कम का समय यहाँ पर जो है रहेगा शेष, बट 20.5 मिनट का जो समय ऑलरेडी यहाँ पर जो है कंप्लीट होता नजर आ जाएगा। लेट्स सी गाइस ये फाइट जो है वो किस तरीके से आप ऑलरेडी यहाँ पर देखिए होना होगा चालू कंप्लीट। बट रेवेनेंट की तरफ देखिए तो पैराडॉक्स यहाँ पर जो है बिल्कुल तैयार रहेंगे, और साथ ही साथ जो क्यूया है वेल वो भी होल्ड करते जरूर यहाँ पर जो नजर आ जाने वाले। बट मदान एंड जोकर यहाँ पर जो है ना टिक कर खेलेंगे जिस तरीके से जारी रहेगी। सीक्रेट की बात करी जाए पूरी तरीके से वेल यहाँ पर देखिए जो तैयार है वो रहेंगे, बट पांचवें जोन का श्रिंक आना होगा चालू। मात्र 40 सेकंड से टू नजर आ जाने वाले टीम नंबर 9 के गाइस। अगर इन प्लेयर्स की बात करी जाए लेफ्ट यहाँ पर जो टीम्स है गाइस वो किस तरीके से खेलते नजर आएंगे। सीक्रेट डायनामाइट एंड डायनेसिस यहाँ पर जो है बिल्कुल तैयार रहेंगे, बट 8-bit मैडमैन की बात करिए नान के साथ यहाँ पर जो है बिल्कुल कर दिए जाएंगे टेक डाउन। और टीम सोल वापस यहाँ पर एक और बेहतरीन नॉक निकालेगी, और मैडमैन के पास जिस तरीके के हायर ग्राउंड से मुझे लग रहा है ट्राई आउट हल्का सा आगे आते हैं। TSM Ninja Jord इस समय यहाँ पर जो प्रेशर है वो बिल्ड करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ गॉब्लिन की बात करें वो भी ओपन ऑफ द मैप पे डायनामाइट को करेंगे देखिए स्पॉट आउट, टेक डाउन करते नजर आएंगे डायनामाइट को पूरी तरीके से। टीम हाइड्रा इस समय फंसती हुई वापस से यहाँ पर नजर आ रही है, थोड़ी देर पहले यहाँ पर कंफर्टेबल दिख रहे थे सीक्रेट ने जब यहाँ पर हैदराबाद हाइड्रास को टेक डाउन करा, लेकिन एक तरफ से हम निंजा जॉर्ड जब रशिंग कर रहे हैं तो जारी रखना चाहते हैं, बट ये ग्रेनेड एक अंतिम ग्रेनेड हो सकता है। बट नहीं, थोड़ा सा ओवरकुक रहा जिसका एडवांटेज माइटी टीम सोल के प्लेयर्स उठाते नजर आएंगे, क्योंकि निंजा जॉर्ड के ऊपर से भी यहाँ पर देखिए जो स्मोक है वो फाइनली हट गए हैं, और अब उनकी भी जो पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन गॉब्लिन और टीम सोल हट गए हैं और अब उनकी भी जो पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन गॉब्लिन और टीम सोल ये टीम रुकने का नाम नहीं ले रही है। सीक्रेट ऑलरेडी यहाँ पर टेक डाउन थे, बट उनका भी कंफर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पर देखिए सिक्योर कर लिया जाएगा गॉब्लिन के द्वारा। बट अगर देखिए सामने से टीम हाइड्रा वापस से निंजा जॉर्ड को जैसे ही माइटी एफएफएस ने यहाँ पर टेक डाउन करा तो काफी ज्यादा हद तक जो राहत की जो सांस है वो मुझे लगता है वो टीम हाइड्रा के प्लेयर्स के लिए देखने को मिली। लेकिन गॉब्लिन कह रहे हैं जी नहीं, वो सारे फिनिशर्स जो है ना वो मेरे हैं और मैं इतनी आसानी से यहाँ पर देखिए जाने नहीं दूंगा, और बैक टू बैक यहाँ पर जो फिनिशर्स हैं वो बढ़ते हुए नजर से एग्जैक्ट पोजीशनिंग मालूम है। और फाइनली ग्रेनेड करेगा चलिए निंजा जॉर्ड को जाकर टेक डाउन, और गॉब्लिन इस समय एक रौद्र रूप धारण कर चुके हैं, रुकने का नाम ये जो टीम है वो नहीं ले रही है। बट क्योया की जो पोजीशनिंग है फिलहाल देखिए वो भी मालूम है, बट इस समय M4 की बुलेट खत्म हुई तो AKM के साथ यहां पर इस्तेमाल करते नजर आएंगे। चलिए Level 3 का हेलमेट वेस्ट यहां पर जो देखने को मिल जाएगा, और यहां पर जो अपनी यूटिलिटीज को भी थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। बट क्योया वंस अगेन उनके ऊपर जो ग्रेनेड से करे जा रहे हैं, और टीम सोल को मालूम है कि जोन जो है वो उनके फेवर में रहेगा, बट एक ओपनिंग की दरकार है। माइटी पूरी तरीके से इनक्लोजर करेंगे, लेकिन मैडमैन करते नजर आएंगे टेक डाउन। क्योया की बात करें बिल्कुल यहां पर जो है शानदार तरीके से जिगल जरूर करते नजर आएंगे, टेक डाउन करेंगे, लेकिन मैडमैन को सोच समझ कर खेलना रहना होगा, क्योंकि अगर यहां से गलती हुई अगर हल्का सा भी ओवर कमिट करें तो फॉर श्योर अभी के लिए देखिए जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जरूर नजर आएगी, क्योंकि क्योया जो है वो बैक टू बैक अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करते नजर आ जाने वाले हैं। बट ये नहीं देखिए क्योया को बहुत ज्यादा लो कर दिया रहेगा। गॉब्लिन यहां पर पैन करने के लिए यहां पर फिलहाल जा रहे हैं, बट गॉब्लिन का ये मूव काफी ज्यादा गलत साबित हो सकता है अगर इस समय अगर क्योया अगर एक बन भी तो कैसा लगा आपको सोल का ये 15 किल के साथ चिकनडीना, मुझे कमेंट करके बताना। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोल के अपडेट एंड तोड़फोड़ के साथ। तब तक ले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्लेइंग, कीप सपोर्टिंग।